डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना की रतनपुर चौकी पर पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक से पुलिस ने 502 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वही पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने बताया कि सेब की आड़ में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब ट्रक से ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुंदन जी कंवरिया द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान शराब तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के निर्देश फरमाए थे, जिस पर आज थाना बिछीवाड़ा पुलिस द्वारा रतनपुर बॉर्डर पहुंच नाकाबंदी शुरू की गई। दौरान नाकाबंदी मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक हरियाणा पासिंग गया, जिसे रुकवा कर चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कृष्ण कुमार स्नोक देवीलाल शारण जाट निवासी एलनाबाद शीर्षा हरियाणा होना बताया, जिसे ट्रक में क्या भरा बाबत पूछा तो उन्होंने सेम के फल होना बताया, जिस पर तिरपाल खोलकर ट्रक को चेक किया। चूंकि मुखबिर की सूचना खास थी, इस वजह से ट्रक को चेक किया तो उसमें सेम के फल के नीचे हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब पाई गई, जिस बाबत चालक को पूछा गया कि जो हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब है इसके परिवहन का कोई लाइसेंस या वैध दस्तावेज हो तो बताए, तो चालक ने नहीं होना बताया, जिस पर चालक को डिटेन कर गाड़ी की तलाशी ली गई तो लगभग 200 पेटी सेम की पाई गई और उसके नीचे ट्रक के अंदर शराब अंग्रेजी शराब हरियाणा निर्मित 502 कार्टन विभिन्न ब्रांड के पाए गए, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी किया जा रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना की रतनपुर चौकी पर पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से पुलिस ने 502 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वही पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सेब की आड़ में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब ट्रक से ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना के रतनपुर चौकी पर पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया है। ट्रक से पुलिस ने 502 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वही पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सेब की आड़ में हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब ट्रक से ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।